इसमें सर 100 की कैपेसिटी है ना, जी एम सी हंदवारा। हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ हैं डॉक्टर खुर्शीद साहब। तो कई दिनों से मैं सोच रहा था यहाँ आऊँ, क्योंकि कल तक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एक इंतहाई पसमानदा ज़िला है और यहाँ पर तिब्बी सहूलियात का हर तरह से हमें ख्याल रखना है। तो एक यहाँ पर एक दो इशूज़ थे, एक हमारा जो इसके साथ हॉस्पिटल का जो नया कम्प्लेक्स बना है उसमें कुछ कोर्ट के इशूज़ थे, वो हमने साहब के साथ डिस्कस किए। उसके अलावा इनका मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कुछ इश्यूज़ थे, उनसे हमने बात की और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि सारे मुद्दे हल हो जाएंगे और बहुत जल्द हॉस्पिटल भी फंक्शनल होगा। और आप देख रहे हैं कि रेंटेड बिल्डिंग में हमारा ये इसका ऑफिस और क्लासेस चल रहे हैं। तो चोगल में हमारा मेन जो कम्प्लेक्स बन रहा है उसमें काम रुका हुआ था। हमने कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं उनसे भी बात की और मंडे को एक रिव्यू मीटिंग भी हम उनके साथ सेक्रेटरी में ले रहे हैं। तो आज यहाँ आने का मकसद ये था कि पहले मैं ज़मीनी सूरत हाल प्रिंसिपल साहब के साथ बाकी लोगों के साथ देख लूं, उसके बाद मंडे के दिन हम रिव्यू मीटिंग में जितने भी मसाइल यहाँ हमने देखे उनका एक हल निकाल दिया जाए। उसके लिए आज हमारी मीटिंग थी। लंगेट में एक गाइनीज वार्ड है, एसोसिएटेड हॉस्पिटल है लंगेट का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उस पर भी बात की ताकि मंडे की रिव्यू मीटिंग के लिए आज हमने पहले ज़मीन पर आके ये देखा कि क्या क्या मुश्किल हैं और क्या क्या करना बाकी है। हमारी जॉइंट डायरेक्टर साहब से मीटिंग हुई श्रीनगर में और आज भी अभी इनके ऑफिसर्स यहाँ आए थे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऊपर वाले की दुआ से मामला ऑलमोस्ट हल हुआ है। इसमें ये आर्डर भी निकला है, कल नहीं परसों आर्डर निकला है कि ये चीज़ जो लोग पहले से मायने करते थे उनको तंग नहीं किया जाएगा, उन्हें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। हमने डिप्टी कमिश्नर से भी बात की और हमें पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिन में नाले जो हमारे हैं उनमें जो भी लोग पहले ट्रेडिशनल मायने करते थे, जिनकी अपनी ज़मीन है या जो खानदानी मतलब पेशा बनाना माइनिंग जो करते हैं उनके सारे मसाइल हल होंगे और जो माइनिंग के नाम पर दहशतगर्दी जा रही थी उसका इंशाल्लाह खात्मा होगा। कुछ चीज़ें बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। वो मामला वो चीज़ वो भी लोगों के लिए ही था, थोड़ा बहुत हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, एक मिनट, अकाउंटेबिलिटी खड़ी हो, लोगों को कोई मुश्किल ना हो। और उसके सिलसिले में आपने भी देखा कि सुबह 4 बजे फिर बाकी जो पुलिस के अफसरान थे एडमिनिस्ट्रेशन के थे उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है। 2 दिन में इंशाल्लाह हमें विश्वास है कि पूरा यकीन है कि इंसाफ मिलेगा। हम किसी से कन्फ्रंटेशन नहीं चाह रहे हैं, हमारा इतना मतलब है जियो और जीने दो, हम सब लोगों के लिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, MLA हो, MP हो, सारे हो, तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। मैं उम्मीद है कि जो हमें यकीन दहानी ऊपर की लेवल से दिलाई गई कि यहाँ पर लोगों को जीने दिया जाएगा, लोग सर उठा के चलेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। करूँगा कल या परसों नई सरकार बनेगी और उमर साहब का अपना भी मैनिफेस्टो है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमें उम्मीद है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे और हम उनका वेलकम करेंगे। और जहां मुझे लगेगा कि नहीं लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हम वो मामले टेकअप करेंगे। जो जो चीज़ें मेरे बस में हैं हम इंशाल्लाह अवाम की ज़बान बनकर सरकार के पास अपनी बात पहुंचा देंगे और जायज़ बात मनवा के ही लेंगे।